मेरे तरफ में ध्यान देखे, और हिंदू कहता है मेरे भगवान बड़ा है। बोले किसका भगवान बड़ा है पता कैसे चलेगा? बोले चलो एक पेड़ ऊपर चढ़ेंगे, पेड़ ऊपर चढ़ करके अपना इष्टों का नाम लेकर के हम कूदेंगे, जो बच जाएगा उसका ही भगवान बनेंगे। तब मुसलमान चढ़ा पेड़ के ऊपर, वो तो एक अल्लाह को मानता है। बोले अल्लाह तू सच्चा है ना, तेरे मेरे लाज बचाना, तेरे नाम को लेकर मैं कूद रहा हूँ। उसने कूदा तो वो सही सलामत रहा, लेकिन एक हिंदू नंबर आया, लेकिन इसका किसी में भी निष्ठा नहीं है। पहले तो बोले हे गणेश जी, हे सिद्धि देने वाले सूर वाले भगवान, तेरे नाम को लेकर मैं कूद रहा हूँ, तू मेरे लाज बचाना। कितने में गणेश जी एकदम तैयारी हो गए, मेरे नाम लेकर के पुकार रहा है, बचाने के लिए जाऊंगा। फिर सोचा भैया इसको इधर आगे आ जाए, उसने सोचा उसकी मैया को थोड़ा क्यों याद नहीं करती। इतने में बोले माता जी मेरे लाज बचाना ना, माता जी मेरे को रक्षा करना। इतने में गणेश जी तैयार थे आने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा किसको बुला रहे, माता देवी को बुला रहे ना, फिर तो उन्होंने अभी आना बंद कर, वो भी आए नहीं है। इतने में फिर माता देवी को बुला करके फिर उन्होंने सोच रहे भैया उनको पिताजी श्री भोले बाबा को थोड़े क्यों नहीं स्मरण कर। बोले भोले बाबा मेरे लाज बचाना तेरे नाम। उन्होंने एक एक करके सारा दुनिया देवता को बुलाते गए, और लास्ट में खुद हाथ पैर सब टूट गया। लेकिन जब ऊपर गया पूछा भैया तुम लोगों का नाम लेकर भुटक रहा था, तुम लोगों ने मेरे को रखा क्यों नहीं किया? मतलब हम तैयार थे जाने के लिए, लेकिन तुम एक को बाद दूसरों को दूसरे को तीसरे करते करते फिर कोई नहीं आए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। जो एकनिष्ठ होकर के, माता जी बात मत करो बीच में पर बात कर रहा है। इसलिए जो एकनिष्ठ होकर के जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, वो तो बच जाते हैं, और जो बहुनिष्ठ हो जाते हैं ना, उनकी भक्ति सीधी नहीं रहती है। इसलिए एक साधे सब साधे, मतलब किसको, और एक कौन है, सबको भजने पर नहीं, एक निष्ठ होकर किसको भजना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण को। ये ऐसे के देवता है, भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया ना, मतलब अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको देवी कहते हो तो देखो देवी मेरे में, जिसको गणेश कहते हो गणेश मेरे में, जिसको तुम भोले कहते हो भोले मेरे में, जिसको तुम कहते हो हनुमान देखो हनुमान मेरे में, मेरे को छोड़ करके दुनिया में और कुछ नहीं। इसलिए मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके दुनिया में कुछ नहीं, विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर। ये कृष्ण ऐसे के देवता है, अगर एक कृष्ण को एक अनिष्ट होकर भक्ति करोगे ना, कितना जा पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा करे सब कोई, ये चीज को समझो। ये कृष्ण ऐसे के देवता, इसलिए भगवान कहते बोले माँ ये संतों का तो अलग अलग बाहर का लक्षण, लेकिन इनका जो अंदर का लक्षण है ना, मई अनंत भक्त को भक्त के बिना वो एक अनिष्ट होकर के अनंत रूप में मेरी ये भक्ति करने वाले, ये इनका सही लक्षण है। ठीक है ना, बोले एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तब उन्होंने माँ को बड़े सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताई, बोले माँ भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, अगर एक निष्ठ होकर के मेरी जो भक्ति करते है ना, कभी वो चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं हो, हैं? अगर मेरी भक्ति करते माँ वो सर्वश्रेष्ठ है। भले ही किसने ब्राह्मण घर में जन्म दिया लेकिन मेरी भक्ति नहीं करती है, कभी वो मेरे श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन मेन जो वस्तु है मेरी भक्ति ही माँ बोल है, इसलिए माँ मेरी भक्ति कर। जब उन्होंने माँ को ये दिव्य ज्ञान प्रदान की ना, माँ तो ज्ञान की बात सुनकर उसे चेतनता जग गई, और मैया कृष्ण प्रेम में पागल होकर के शरीर में कपड़ा है कि नहीं ये भी बुद्ध नहीं गई, एकदम कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के माता जी हैं चली गई, और भगवान माँ को उपदेश दिए, बोले माँ जब मातृगर्भ में बच्चे को 7 महीना हो जाए उसको ज्ञान की जागृत हो जाती है, वो देखता है टाटी पेशाब का थली में मैं रह रहा हूँ, फिर भगवान को पुकारता प्रभु ये नरक से मेरे को निकालो। ठाकुर जी कहते हैं बताओ अभी तू क्या करोगे, बोले प्रभु मैंने समझ लिया
संसार में कोई किसी का नहीं है, एक बार अगर मेरे को जन्म दे दोगे तो उठते बैठते सोते थे मेरा भजन करना। बोले माँ ये दुख कष्ट में पड़ करके मेरे को बुला रहे हो ना, यहाँ पर जब तेरे को मैं जन्म दे दूंगा फिर माया में फंस जाओगी। बोले बेटा मैं कभी माया में नहीं फंसूंगा, एक बार केवल ये नरक से मेरे को जन्म दे दो, ये पेड़ से मेरे को एक बार केवल तो निकाल दो। भगवान ने कहा माँ अगर तू भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को मेरे वार पीछे बात मत करो, ए चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए बोले माँ भगवान ने कहा ये बताओ ऐसे नहीं यहाँ पर कष्ट पा करके मेरे को याद कर रहे हो, फिर जब मैं तुमको जन्म दे दूंगा ना फिर तुम जा करके फिर माया के संसार में फंस जाओगे, फिर मेरे भक्ति नहीं करोगे। बोले नहीं वही नहीं माँ, एक बार मेरा जन्म हो जाएगा ना जरूर मैं तेरा भजन करूंगा। बोले देखो मैया अगर भूल जाओगे ना मैं बीच बीच में तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे, सब ध्यान दे सुन करो। कहले पहला वार्निंग ये है जब एक बाल पक जाए ये मेरा फर्स्ट वार्निंग है। आप लोग ध्यान देकर लगा करके देखे ना जब कहाँ से बाल पकती है, देखना ये कान को पास में ध्यान लगा कर देख लेना, यहीं से बाल पकना शुरू होता है। मतलब कान में पहला बेल दे दिया, बोले माँ के पेट से तू कसम खा कर आया था ना इस बार जन्म दोगे तो भजन करोगे हरिनाम करोगे। बताओ कितने समय हरिनाम कर रहे हो, कितने समय स्मार्टफोन में लगे हो, कितना समय टीवी देख रहे हो, कितने समय इधर उधर की बात करते हो, इसलिए पहला बाल पक जाता है। लेकिन हम लोग ना उसकी वार्निंग को नहीं सुनते, देखना अगर एक बाल पक जाए उसको हम उखाड़ देते हैं। बोले थोड़ी हम बूढ़ा हो गए हम कुछ नहीं हुए, भगवान कहते दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग है, देखना आंखों में फिर धीरे धीरे अगर दूसरा बाल तीसरा बाल पक जाए ना फिर मेहंदी लगा करके फिर कलर कर देते हैं, बाल को रंग कर देते हैं, उसका वार्निंग को नहीं सुनते हैं। दूसरा वार्निंग क्या देते हैं, कहते आंखों में देखना कम हो जाता है फिर बढ़िया चश्मा लगा लेता है। तीसरा वार्निंग देते हैं एक एक करके दांत तोड़ना शुरू करते हैं, फिर हम क्या करते हैं डेंटिस्टियों के पास में जा करके फिर 32 दांत लगा कर खिलखिला कर हंसते हैं, बोले हमारी कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते देखो फिर फोर्थ वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगा। मतलब क्या, डंडा लेकर चलना पड़ेगा, कमर तोड़ दूंगा तुम्हारी पहले। फिर कहते मैं फिर तुमको पंचमा वार्निंग नहीं दूंगा, फिर राम नाम सत्य है, फिर ये शरीर छूट जाती है। जब शरीर छूट जाती है आप लोगों को देखे होंगे जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना उसको अर्थी में ले जाते हैं, देखे हो अर्थी में ले जाते हैं, उसको हाथ पैर को तो बांध देते हैं लेकिन उसका जो सर है एक तकिया में लगा करके सर को एक तकिया के ऊपर रख लेते हैं, देखे कि नहीं। और चार व्यक्ति जब ले जाते हैं क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, कि सुनाते कि नहीं, सुने कि नहीं। इसका मतलब क्या, और जो ऊपर जो लेटा हुआ व्यक्ति को उसको समझाते, बोले बेटा जीवन में जितने तुमने राम का नाम लिया जितना कृष्ण का नाम लिया केवल वही सच्चा, तेरे साथ में केवल वही जा रहे हैं, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है तुमने सब झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रहा है। अरे कभी तो शरीर छोड़ दिया, अरे कम से कम एक बार तो राम का कृष्ण का नाम ले ले, एक बार तो ले ले। अब देखना उसका जो सर तकिया को ऊपर रहता है हाथ पैर को तो बांध दिए, तकिया हिलता है, तकिया में सर हिलता है, बोले राम नाम सत्य, बोले राम का नाम ले अभी तो ले, मरते समय तो ले, लेकिन वो सर नहीं अभी भी नहीं लोता, बोले अभी भी नहीं लोगे राम का नाम, बोले चलो दिखाते हैं, फिर चिता को ऊपर लेटा देते, बोले बोले अभी तक राम का नाम ले, बोले अभी भी नहीं लोगा, अभी भी नहीं लोग ले, फिर मुंह में क्या करते हैं मुखाग्नि, मुंह में अग्नि देते हैं। बोले मुंह में क्यों अग्नि देते हैं, कारण है भगवान जो ये मुंह दिया तेरे को हरिनाम करने के लिए, तुमने ये मुंह से हरिनाम नहीं किया, दिन भर दुनिया की बात की बकवास सुन किया, भगवान के भजन नहीं किया, इसलिए तेरे मुंह में आग है, तेरे मुंह में आग है। लेकिन हमारी भक्ति जगत में ना कोई मुंह में आग नहीं देते, उनके चरण में आग देते हैं। बोले क्यों, बोले तुमने जीवन भर प्रभु का भजन किया है भक्ति किया, ये अग्नि एक देवता है, ये अग्नि देवता भी तुम्हारे चरण की पूजा करती है। इसलिए भगवान ने अपना माँ को इस सारे ज्ञान की बात बताई। बोले माँ मरने का बाद आप लोग देखे होंगे 13 दिन के बाद में शुद्ध क्रिया होती है, कितना दिन बाद में,
तेरह दिन मानते हैं ना, बोले तेरह दिन बाद में क्यों ये शुद्ध होती है, कारण क्या? बोले कारण है उसको एक नदी पार करना पड़ता है, जो नदी का नाम बैतरणी नदी, जो नदी केवल टाटी पेशाब खून पी का नदी होता है, इसलिए उसको पार करने के लिए तेरह दिन लग जाती है, इसलिए तेरह दिन बाद में शुद्ध किया होता है। लेकिन ये बैतरणी नदी को कौन पार करता है? देखो अच्छे तरह से सुनना, जो भगवान के नाम नहीं लेते, जिनकी गले में तुलसी की कंठी नहीं है, जो तिलक नहीं लगाते हैं, जो हरि का नाम नहीं लेते हैं ना, उनको ही ये नदी पार करना पड़ता है। अगर जिसकी गले में तुलसी की कंठी होगा ना, वो कभी ये बैतरणी नदी पार नहीं करेगा। जो तिलक लगाई होगी, जो प्रभु का नाम लेते होंगे, कभी भी उसको ये बैतरणी नदी पार करना नहीं पड़ेगा, वो तो ठाकुर के पास में जाएंगे। इसलिए फिर उसको बाद में फिर जो जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप फिर उसको 84 नरक भोगना पड़ता। नरक भोग करने के बाद जब पाप खत्म हो जाती उसको चंद्र लोक में भेज देते हैं, और ये चंद्र का किरण दे करके किसी फल को आश्रय ग्रहण करता है। इसलिए हम कहते हैं ना, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ होता है, जो जैसे कर्म करता है ऐसे कर्म का अनुरूप फल खाएगा, वो फल अंदर में जाता है, फिर बीज रूप धारण करता है, धारण करते हुए पति पत्नी का मिलन होता है, मिलन करते हुए फिर पत्नी के गर्भ में धीरे 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 बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। भगवान ने माँ को इस सारी ज्ञान की बात बताए, बोले माँ ये जीवन रहते रहते अगर ये संसार से पार होना चाहते हो क्या करो, भगवान की भक्ति कर लो, भगवान की भजन कर लो माँ, तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी आज के आनंद की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।
देखो हमारे एक प्रभु जी आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। जो कथा है ये श्री अम्बरीश महाराज जी कथा है भागवत में। देखो जैसे हम लोग कोई बार व्रत रखते हैं, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई कोई तो सात सात दिन का ही व्रत रखते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत में केवल एक व्रत का नाम आता है। कौन सा व्रत है? एकादशी। एकादशी कथा है, इसमें और कोई बार व्रत का नाम नहीं है। हाँ ध्यान देकर सुनिए, ये जो एकादशी व्रत है ये व्रत को बताया कि कल्पतरु व्रत। कौन सा व्रत है? कल्पतरु मतलब जानते हो, जो मांगोगे उनको वही मिलेगा, इसको कहते कल्पतरु। जैसे कोई सोमवार मंगलवार अलग व्रत, इसका कोई एक ही फल होगा, लेकिन एकादशी ऐसे जो व्रत है, अगर कहीं आपके पास में एकादशी का पुस्तक होगा पढ़ लेना। एक व्रत का नाम पुत्रदा। पुत्रदा मतलब अगर किसी घर में पुत्र संतान नहीं हो रहे, जैसे अभी कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, नंद बाबा का पहले संतान नहीं थी, उन्होंने सब बार व्रत कर चुके थे, कोई व्रत बाकी नहीं रखे, लेकिन घर में कोई बेटा नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा हमने तो सारे बार व्रत को कर चुके हैं, लेकिन केवल एक व्रत नहीं रखे, ये एकादशी व्रत नहीं रखे, इसलिए एक एकादशी का नाम पुत्रदा। पुत्रदा मतलब जिनकी घर में पुत्र संतान नहीं, अगर वो एकादशी का घर में पुत्र जन्म है, उन्होंने जब ये पुत्रदा एकादशी नंद बाबा रखे, उसी रात कहीं कृष्णा माँ जसोदा के गर्भ में आए, इसलिए एक एकादशी का नाम इंदिरा। इंदिरा मतलब है लक्ष्मी, जिनकी घर में पैसा की कमी, पैसा नहीं, तब वो एकादशी व्रत रखेगा ना, घर में पैसा आएगा, इसलिए उनका नाम इंदिरा लक्ष्मी। एक एकादशी का नाम है अर्णदा। अर्णदा मतलब जिसकी घर में अन्न शस्य की कमी है, अगर आप वो एकादशी रखोगे ना, घर में खूब अन्न शस्य आएगा। एक एकादशी का नाम पाप मचनी। पाप मचनी मतलब क्या? हम संसार में सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई बेटा से, बहू से, दुखी दुखी है। क्यों दुखी है? इसलिए दुखी है क्योंकि हमारे पूर्व जन्म में कुछ हमने पाप कर्म किया है, इसलिए जो पाप की फल की वजह से, ये पाप की कर्म की वजह से ये दुख भोग कर रहे हैं। लेकिन एकादशी का नाम पाप मचनी, अगर वो एकादशी करोगे ना, जितने तुम्हारी जीवन का पाप है वो सारे पाप मन नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसका नाम पाप मचनी। एक एकादशी का नाम विजया। विजया मतलब क्या? अगर वो एकादशी करोगे, तुम कहीं भी जाओगे सब जगह में तुम्हारा विजय विजय होगा, कभी तुम हारोगे नहीं कभी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा। अगर वो एकादशी करोगे तो संसार का दुख कष्ट से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। आप पढ़ करके देखो, हर एकादशी का अलग अलग नाम, मतलब है अगर किसी ने ये एकादशी व्रत रख लिया ना, जीवन में सारे शांति सुख जीवन में तुम्हें मिल जाएगी, इतना महिमा ये एकादशी की। इसलिए भागवत में कोई बार व्रत का नाम नहीं आती है, केवल एक एकादशी की कथा भागवत में आती है, जिसको अम्बरीश महाराज करते थे, जिसको नंद जसोदा जिसको करते थे, रुक्मिणी सत्यभामा जिसको रखती थी, और पांडवा निर्जला जो सबसे बड़ी एकादशी। कौन सा एकादशी? पांडवा निर्जला, जिसको पंच पांडव द्रौपदी को साथ में, माता कुंती को साथ में रखते थे। इसलिए कोई कोई कहते हैं ना, अरे एकादशी तो विधवा लोग करते हैं, थोड़ी कोई श्रद्धवा लोग करते हैं, क्या ये द्रौपदी क्या विधवा थी, मैया जसोदा क्या विधवा थी, ना कि अम्बरीश महाराज की पत्नी विधवा थी? नहीं, ये एकादशी व्रत 8 साल से लेकर 80 साल तक करनी चाहिए, हैं? अष्टा वर्षाधिक पुत्ता आसीति सिति वत्सर। फिर एक समस्या, कोई कहते फिर एकादशी का उद्यापना करना पड़ता है, फिर उद्यापना करना तो बहुत पैसा खर्चा। हमारी भक्ति जगत में कोई उद्यापना का कोई भी नाम नहीं, एकादशी भक्ति जननी है, ये राधा रानी का रूप है, इसलिए भक्ति आने हुए भक्ति को हम कोई विदाई नहीं देते। इसलिए जब तक तुम्हारी समर्थ तब तक एकादशी व्रत रखो, जब समर्थ नहीं मत करो, कोई दोष नहीं, भक्ति में कोई दोष नहीं, ठीक है ना। इसलिए एकादशी की कितने महिमा, जिसको अम्बरीश महाराज रखते थे, अभी हमारे ये प्रभु जी खड़े हुए हैं, ये भागवत में कैसे ये अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखे, और जो एकादशी व्रत रखते हैं उसको भगवान की सुदर्शन चक्र उस पर क्या करता है, भगवान की चक्र उस पर क्या करते हैं। प्रभु जी आज इसी विषय पर हमारे गौर सुंदर प्रभु बोलेंगे, आप एकादशी कथा सुना।
बल्से अंबरीश महाराज की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च अधिकानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता प्रभु भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथावि प्रणाम। भागवतम श्री नवम स्कंद के अंतर्गत जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये वंशावली का वर्णन करते हैं तो उस समय पर बता रहे हैं किस प्रकार सूर्य वंश के अंदर एक राजा हुए थे जिनका नाम था नभग और उन्हीं के पुत्र हुए हैं नाभग। ये नाभग राजा इतने धर्मात्मा थे कि जब इनके भाइयों ने अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा किया तो इनको कोई हिस्सा नहीं दिया। चार भाई थे लेकिन तीनों भाई ने मिलके पिताजी के तीन संपत्ति के तीन हिस्से बांट लिए। और जब इनको इन्होंने पूछा कि मेरा हिस्सा, तब इन्होंने कहा कि आपकी संपत्ति भी है, आप स्वयं पिता को ही ले जाइए। कलयुगी जैसे आजकल के कलयुगी बच्चे हैं ना, पिता की संपत्ति क्या है वो तो चाहते हैं लेकिन माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते, तो ये भी कुछ इसी प्रकार के ही थे। तब ये नाभग राजा ने क्या किया, इनके पिताजी के आदेश से इन्होंने जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर गए और वहां से फिर इनको धन प्राप्त हुआ। तो उस समय पर शिवजी ने भी स्वयं इनकी भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और इनको आत्मतत्व का उपदेश दिया। इन्हीं नाभग राजा के पुत्र थे श्री अम्बरीश महाराज। अभी हम स्वयं श्रवण कर रहे थे किस प्रकार अम्बरीश महाराज वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भक्त हैं अम्बरीश महाराज और एकादशी व्रत का पालन करते थे। श्री अम्बरीश महाराज के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस शरीर की जो एकादश इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन, इन सभी को कृष्ण सेवा में किस तरह से अम्बरीश महाराज ने नियुक्त कर रखा था उसका एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचन सि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकार अच्युत सत्कथोदयो मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो त्वद्भृत्य गात्र अंग स्पर्श। कह रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर रखा था। कह रहे हैं इन हाथों से राजा हैं, ससागर पृथ्वी के सप्तद्वीप के राजा हैं लेकिन फिर भी इन हाथों से ठाकुर का मंदिर मार्जन करते थे, ठाकुर के मंदिर में झाड़ू लगाते थे। नौकरों के द्वारा नहीं, जो राजकार्य है राजकार्य के लिए उन्होंने मंत्रियों को सेनापति को नियुक्त कर रखा था लेकिन भगवान की जो भी सेवा थी वे स्वयं अपने हाथों से करते। हमारे लिए भी शिक्षा देते हैं कि ठाकुर की सेवा कैसे करनी चाहिए, स्वयं खुद को ठाकुर की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी नौकर को या किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया ठाकुर को दो समय भोग लगा देने के लिए, आरती कर देने के लिए और स्वयं आराम से बैठे हैं। नहीं, हमारे पास तो क्या संपत्ति है, कुछ भी नहीं, लेकिन वे पूरे चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी किस प्रकार सेवा कर रहे हैं उसका आदर्श दिखा रहे हैं। हाथों से ठाकुर का मंदिर मार्जन, इस वाणी से भगवान का गुणावर्णन, भगवान की हरि कथा, उनका नाम कीर्तन करने में, पैरों से ठाकुर की मंदिर परिक्रमा में, धाम परिक्रमा में, इस नासिका से यदि सुगंध लेते तो केवल मात्र अंग्रेजी है लेकिन हिंदी सीखा है, हिंदी सीखा है हिंदी बोल रहा है लेकिन अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी भी दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बड़े कष्ट से मैंने हिंदी सीखा है हिंदी बोल रहा है। आप लोग कुछ बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो अम्बरीश महाराज किस प्रकार वो आदर्श दिखा रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका तनखा बहुत था लेकिन वो सारे नौकरी भगवान छोड़ जा रहे थे, ये अभी भगवान की भक्ति कर रहा है और हिंदी सीख करके सोचते हैं हम भारतीय संस्कृति को, इतने महान भारतीय संस्कृति, हम भारतीयों को हम विदेशी होकर के भारतीयों को भारतीय शिक्षा देंगे और विदेश हमारे भारत का लोग क्या करते हैं, मतलब अंग्रेजियों का खान पान रहन सहन चाल चल उसका अनुकरण करते हैं, सोचते इसके पास आती चुके हैं। उनने देखा भैया हम विदेश के होकर के हम बड़े दुखी है, हम चाहते क्या है भारत का जो संस्कृति जो भक्ति शांति हो तो केवल हमारे जो इस्कॉन का नाम सुनेंगे, उनका जो
फाउंडर थे स्वामी महाराज, जब अमेरिका गए ना, उनका पहला प्रश्न क्या जानते हो, उनका पहले बोल उन्होंने जाकर के बोले, हमने सुना अमेरिका बहुत पैसा वाला है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर है, अमेरिका में। लेकिन जब हम न्यूज पेपर देखते हैं, अगर सुइसाइड करके मरने वाले अगर सबसे ज्यादा कहें कि अमेरिका, और गरीबी लोग नहीं, धनी लोग, क्यों, डिप्रेशन है, मतलब मन में शांति सुख नहीं, पैसा शांति सुख नहीं देता। ये शरीर तो जैसे कि पिंजरा है ना, पिंजरा में एक तोता रहता है, अगर तीन बार अगर पिंजरा को पेंटिंग करोगे, अगर तोते को खाना नहीं खिला तो तोता मर जाएगा है। उसी तरह ये शरीर ये पिंजरा है, हम क्या करते हैं, ये शरीर को इंडिविजुअल बार लाने ले जाते हैं, शरीर को जीम में ले जाते हैं, चबन पास खिलाते हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए, लेकिन शरीर में जो आत्मा है ना, जो तोता बैठा हुआ, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। भैया अगर नहीं खिलाओ तो मर जाएगा, उसको खाना क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान की भजन। इसलिए देखो ये अंग्रेजी होकर के, अंग्रेजी होकर के हमें भारत का कथा सुना रहे हैं, तुम्हारे देश में कैसे राजा हुए और कैसे ये भक्ति करते थे, इनसे तुम सीखो, ठीक है ना, बोलो। तो श्री अम्बरीश महाराज कभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए उनका नियम था, एकादशी जिस तरह से आजकल कलयुग के जीव रखते हैं उस प्रकार नहीं, शास्त्रों में विधान बताया गया है एकादशी के नियम, ये एक्चुअल में एक दिन का नहीं तीन दिन का होता है। कैसे, कहते हैं दशमी के दिन नियम है एक समय भोजन करो, दिन में भोजन करने के बाद में रात में भोजन नहीं करना, एकादशी के दिन पूर्ण रूप में निर्जला, और द्वादशी के दिन भी ब्राह्मणों को ठीक दक्षिणा देकर और उसके बाद समय अनुसार पारण करना होता है, और द्वादशी के दिन भी एक समय भोजन करना पड़ेगा, शास्त्रों में यही विधि बताई गई है। लेकिन क्योंकि कलयुग के जीवों के लिए इतना संभव नहीं है, उनके पक्ष में संभव नहीं, इसलिए यदि कोई ठीक ठीक रूप में एक दिन भी अन्न का परहेज करके, अर्थात हम श्रवण कर रहे थे ना किस प्रकार अन्न का उस दिन भक्षण करना साक्षात पाप भक्षण करना है, अन्न के अंदर गौ हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, ये सारे पाप विद्यमान रहते हैं अन्न के दिन, एकादशी के दिन अन्न में, तो इसलिए एकादशी के दिन कुछ अन्न की कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, सब वर्जित है। खाने के लिए तो बहुत कुछ है, फल दूध दही इत्यादि बहुत कुछ है जो हम एकादशी के दिन ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और हम लोगों ने परमार्थिक दृष्टिकोण से तो श्रवण किया ही, यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि देखोगे तो एकादशी का पालन करना बड़ा ही फायदेमंद है। आप देखो जैसे उदाहरण के तौर पे कोई एक मशीन है, एक मशीन को यदि 24 घंटे चलाओगे तो खराब हो जाएगी, है कि नहीं, हर एक मशीन को रेस्ट चाहिए होता है। उसी प्रकार बतलाया हमारे शरीर भी एक मशीन है, इस मशीन को, इस शरीर को बकरी की तरह 24 घंटे खाते रहेंगे, चलता रहेगा अगर मुंह तो क्या होगा, ये भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसको रेस्ट देना चाहिए। रेस्ट देने के लिए हमारे ऋषि मुनियों, वो भी कोई साधारण नहीं थे, सभी ऋषि मुनियों ने जो शास्त्रों में व्रत इत्यादि अनुष्ठान का नियम बताए हैं, बड़े सोच समझ के बताए हैं, बड़े सोच समझ के बताए हैं, क्योंकि हमारे शरीर को भी एक दिन का रेस्ट मिल जाए तो 15 दिनों में एक बार व्रत करने का नियम बताया, एकादशी व्रत करने का नियम बताया। अभी प्रश्न उठता है कि एकादशी के दिन ही क्यों व्रत करें, किसी और दिन भी तो कर सकते हैं भैया, रेस्ट देना है किसी एक दिन, कोई भी दिन दे लो, एकादशी के दिन ही क्यों दें। तब उस समय पर इसके कारण बतलाते हुए कहते हैं कि देखो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, है ना, और इसमें सबसे ज्यादा परिमाण में क्या है, क्या है, जल। आपने देखा होगा समुद्र के तट पर, समुद्र के अंदर जो लहरें उठती है, लहरें उठती है ना, उसका क्या कारण है, आकाश में चंद्रमा वो पृथ्वी को आकर्षित करता है, गुरुत्वाकर्षण जो हम सुनते हैं ना, आकाश से पृथ्वी को आकर्षित करता है और पृथ्वी भी चंद्रमा को आकर्षित करती है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी का भार बहुत ज्यादा है, इस वजह से चंद्रमा पृथ्वी को तो आकर्षित कर नहीं पाता, उसका प्रभाव पड़ता है पानी पे, तो इसलिए समुद्र का जल, समुद्र के अंदर जो लहरें उठती है वो चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही है। आप ध्यान करके देखना, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे ही समुद्र के अंदर लहरें भी बढ़ती है, और जो लोग मछली पकड़ते हैं, जो नौका नाविक होते हैं ना, आप देखोगे पूर्णिमा के दिन तो भूल से भी समुद्र के आसपास नहीं जाते, बहुत जोर जोर से लहरें होती है। अभी वो ही पानी हमारे शरीर में भी है, तो इसीलिए आप देखोगे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जिन लोगों के घुटनों का दर्द रहता है, जिन लोगों के सिर में दर्द है, वो ज्यादा होता है एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में पानी है ना, पानी है, तो यही पानी चंद्रमा के द्वारा आकर्षित होकर शरीर को उत्पीड़ना देता है। इसीलिए बतलाया यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखोगे
तो एकादशी व्रत करना बहुत फायदेमंद है। अभी अम्बरीश महाराज एक समय पर मथुरा के अंदर, मथुरा में अपनी सब पत्नियों को लेकर वो एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक समय एकादशी व्रत करने के उपरांत द्वादशी के दिन वहां पर दुर्वासा ऋषि आए हैं। दुर्वासा ऋषि कौन? साक्षात शंकर जी का अंश है, शंकर जी का अंश है उसके अंदर। शणे रुष्टम शणे तुष्टम, तुष्टम रुष्टम शणे शणे। भैया कब क्रोधित हो जाए, कब प्रसन्न हो रहे कुछ पता नहीं। अम्बरीश महाराज को श्री दुर्वासा ऋषि को आता देखकर अम्बरीश महाराज ने प्रणाम किया। प्रणाम करके बोलते हैं, बड़े बड़ा सौभाग्य है, कल मैंने एकादशी व्रत किया था, आज द्वादशी पे ब्राह्मण दर्शन हुआ है, आप आइए आप भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने उस समय पर कहा कि मैं, मेरा नित्य कृत्य बाकी है, मैं यमुना में स्नान करके आ रहा हूँ और उसके बाद में भोजन करूंगा। अभी उस समय पर क्या हो रहा था, पारण करने का समय निकला जा रहा था। देखो एकादशी व्रत करने के बाद में पारण करना बड़ा जरूरी है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद में और एक फिक्स समय के अंतर के बीच में ही हमको अन्न लेके पारण करना पड़ता है। यदि वो पारण नहीं करोगे तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा। अभी अम्बरीश महाराज यहाँ पर चिंतित है कि भैया मैंने कभी भी एकादशी व्रत मेरा विफल नहीं गया, कभी मैंने नष्ट नहीं किया, आज मैंने ब्राह्मण को निमंत्रण भी दे दिया है और वो तो आने में विलंब कर रहे हैं, इधर पारण का समय निकला जा रहा है। उन्होंने वहां पर जो और ब्राह्मण थे उनसे परामर्श करके और उन्होंने कहा कि तुम चरणामृत का पान कर लो, भगवान के चरणामृत का यदि पान कर लो तो उससे तुम्हारा, क्योंकि वो तो निर्जला करते थे, चरणामृत का पान करके व्रत का पारण भी हो जाएगा और ब्राह्मण देवता को जो निमंत्रण दिया है उसका भी खंडन नहीं होगा। तो उन्होंने जल का पान कर लिया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि को ये बात पता चली है, इतने क्रोधित हो गए, बोले हमें आमंत्रित करके, मुझ जैसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को, तपस्वी को आमंत्रित करके और मुझसे पहले ही तुमने पारण कर लिया। क्रोधित होकर उन्होंने केश से एक जटा निकाल के जो जमीन पर फेंकी है, वहीं से कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई। राक्षसी प्रकट होते ही और अम्बरीश को दंड मारने के लिए दौड़ी है। दुर्वासा ऋषि ने आदेश दिया कि मार दो इस राजा को, इस दुराचारी को मार दो। कृत्या जैसे ही अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ी है, अभी श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार अम्बरीश महाराज को स्वयं रक्षा कर रहे हैं सुदर्शन, भगवान का सुदर्शन अमोघ अस्त्र भक्तों की रक्षा के लिए ही तो है। जैसे ही कृत्या आगे बढ़ रही थी अम्बरीश महाराज को क्षति करने के लिए, दुर्वासा श्री सुदर्शन चक्र ने उसे मार दिया और मार के पीछे चल गया दुर्वासा ऋषि के, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अभी सुदर्शन चक्र में कितना ताप है, बतलाते हैं करोड़ करोड़ सूर्य यदि एकत्रित हो जाए तो उससे जो ताप, उससे जो रोशनी निकलती है वैसा ताप सुदर्शन चक्र की एक किरण में है। जब वो श्री दुर्वासा ऋषि के पीछे धावित होने लगे सुदर्शन चक्र, वहां से दुर्वासा ऋषि तो भगे, भक्ते भक्ते गए ब्रह्मा जी के पास में, बोले प्रभु रक्षा करो। बोले किससे? सुदर्शन से। उन्होंने कहा भगो यहां से, हम रक्षा नहीं कर सकते। अभी वो भागते भागते गए कैलाश में, शिवलोक के पास में, बोले भोले बाबा रक्षा कीजिए। बोले किससे? बोले सुदर्शन से। बोले जिनका अस्त्र है उन्हीं के पास जाओ, हमारे से बस का नहीं है। चले गए वहां से दौड़ते दौड़ते वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक में जब पहुंचे हैं वहां पर साक्षात नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप ही का अस्त्र और आप ही के शरण में आया हूं, आप रक्षा कीजिए। तब यहां पर भगवान भी स्वयं करने लगे, कहने लगे हे दुर्वासा ऋषि अहम भक्त पराधीना न स्वतंत्र है दुज, कह रहे कि मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे शस्त्र स्वतंत्र नहीं है, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं और इसीलिए तुमने अपराध किया मेरे भक्त के चरण में, तुमने अपराध किया मेरे भक्त के चरण में, अम्बरीश के चरण में, और बताओ मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं। हाँ तब वहां पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि देखो मैं आपके शरणागत हुआ हूं, मैं आपको शरणागत हूं, आप सामर्थ्य विष्णु है और आपकी शरणागत व्यक्ति का यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो ये तो आपके लिए कलंक की बात होगी, ये तो कलंक की बात होगी, आप दया कीजिए मेरे पे। तब भगवान यहां कहते हैं साधु नाम हृदयम तो हम साधु हृदयम मयम साधु नाम हृदयम तो हम, कि दया कहां से होती है? दया तो हृदय से होती है ना, और मेरा हृदय कौन है? साधु नाम, साधु ही मेरा हृदय है और साधुओं के अतिरिक्त मैं किसी को जानता नहीं, मेरे भक्त भी मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते, तो इसीलिए अगर तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है मैं कैसे दया कर दूं? यदि कांटा पैर में चुभे तो क्या सिर से निकलेगा? सिर से निकलेगा? पैर से तो निकालोगे? तुमने अपराध किया अम्बरीश के चरणों में और माफी मांगने आए हो मेरे पास में, जाओ उसी भक्त से क्षमा मांगो। तब हाथ जोड़कर पीछे पीछे जब अम्बरीश, जब दुर्वासा ऋषि वापस अम्बरीश महाराज के पास में आए हैं, उनको प्रणाम करने लगे थे, उसी समय पर अम्बरीश महाराज ने उन्हें आलिंगन कर लिया।
आलिंगन करके कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे हैं। एक साल तक ये सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे 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 घूमता रहा है। यहाँ पे देखो एक विचार करने की बात है, जब कृत्या से रक्षा करनी थी अम्बरीश महाराज की तब तो सुदर्शन चक्र ने तुरंत ही उनका गला काट दिया, लेकिन यहाँ पर एक साल तक पीछे 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 क्यों घूमा? तभी यदि दुर्वासा ऋषि को भी खत्म करना होता तुरंत ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर दुर्वासा ऋषि भी साधारण नहीं है, वे भी भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सारी लीला करी। उसके बाद जब हरि बोल, उसके बाद में जब दुर्वासा ऋषि ने क्षमा याचना करी है, उस समय पर अम्बरीश महाराज स्वयं सुदर्शन चक्र से प्राप्त भगवान का भजन किया हो, इस कपट रूप से यदि मैंने सभी के हृदय में भगवान को देखकर उनका सम्मान किया हो तो हे सुदर्शन चक्र यहाँ से दूर चले जाइए। आप अम्बरीश, आप दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दीजिए। सुदर्शन चक्र वहां पर दूर चले गए हैं और वहीं पर साक्षात दुर्वासा ऋषि भक्तों की महिमा गान करते हैं। भक्त, हे भगवान आज मैंने आपके भक्तों की महिमा देख ली, किस प्रकार? यन्नाम श्रुति मात्रेण उपमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ पद किं वा दासानाम अवशिष्यति, तस्य तीर्थ पद किं वा दासानाम अवशिष्यति। कह रहे हैं कि आपके भक्तों की कैसी महिमा है, इनका नाम श्रवण करने मात्र से ही उपमान भवति निर्मला, सारा विश्व पवित्र हो जाता है, तो उनके स्पर्श की और दूसरी तो बात ही क्या, आपके भक्त इतने सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षणीय विषय है, देखो दो चीजें जो विशेष करके शिक्षा लेने वाली है यहाँ पर। एक, किस प्रकार भक्त की शरणागति होती है। अम्बरीश महाराज उसी स्थान पर खड़े रहे, दुर्वासा ऋषि के पीछे जैसे ही सुदर्शन चक्र पड़ गया त्रिभुवन में भागने लगे, लेकिन अम्बरीश महाराज अपनी जगह से हिले, पूर्ण रूप में भगवान के प्रति शरणागत होकर उसी स्थान पर खड़े रहे, और यही प्रतिज्ञा, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। ये शरणागत व्यक्ति के ऊपर ही ये लागू होता है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान के पूर्ण रूप में शरणागत नहीं है तब तक उसे ये विश्वास ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भक्त का किस प्रकार का चरित्र होता है, भक्त किस प्रकार शरणागत होता है, एक तो ये विशेष शिक्षा दी, और दूसरी शिक्षा एकादशी व्रत, किस प्रकार जो हमें दूसरे बार व्रत इत्यादि में निष्ठा होती है उससे हमारी पूर्ण रूप में रक्षा नहीं हो सकती। यदि भगवान केशव को हमने संतुष्ट कर लिया, यदि कृष्ण को संतुष्ट कर लिया, तो कहते हैं ना, जहां पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। यदि भगवान को संतुष्ट कर लिया, भगवान को यदि प्रसन्न कर लिया तो सब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए एकादशी व्रत की कई बड़ी बड़ी महिमा बतलाई गई है शास्त्रों में। इसे कहा गया है माधव तिथि, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कर रही। कहते हैं कि ये कृष्ण, साक्षात कृष्ण इस तिथि में विराजमान है, यदि कोई ये तिथि पालन करे ठीक रूप में तो उसे भक्ति प्राप्त होगी, उसके हृदय में भक्ति का जन्म होगा और उसी से ही हमें भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिंदी सही बोल रहा था, मैंने बहुत कष्ट करके उसने हिंदी सीखा है। मैं आ करके बहुत उन्हें पढ़ लिख करके कोशिश किया, जैसे हिंदी में मैं विदेशी होकर के ऐसे हिंदी बोलूं जैसे हिंदी लोग भी ऐसे नहीं बोल सकते। आपसे भी अच्छी बोले तो उसने बढ़िया ठीक से सिखाना है हिंदी को, इसलिए जोर से ताली बजाते। प्रभु जी भगवान बामन देव का कथा सुनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी से बामन देव की कथा सुनिए। देखो जी, किसी बच्चा अभी हरे कृष्णा ये भाई अच्छे लिखे पड़े, किसी ने बीटेक किया है, लेकिन बीटेक करके सब छोड़ दिया, छोड़ करके भगवान की भक्ति करने आ गए, लेकिन ये आप इनके भाषा से आपको पता चलेगा कौन भाषी। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ता विहीनापराध लक्ष्य कीताश कामादितरंग मध्ये कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्ना बिंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सब बार एक बार हाथ उठा गए सब लोग, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुभव गुरुपाद पद्म रूपानुभव गुरुवर्ग सोपार्षद सपरिकर श्रील जगत गुरु प्रभुपाद सोपार्षद सपरिकर श्रील राधा कृष्ण गौर गोविंद महा गौर गोविंद जीव गौर नित्यानंद प्रभु के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित सतीर्थ गुरु भ्राता वृंद श्रोता मंडली वैष्णव वृंद वैष्णव वृंद समस्त चरणों में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग कथा श्रवण करते करते आज अष्टम नवम स्कंद तक पहुंच गए हैं। आज की जो कथा है बामन देव की कथा, ये अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं। हमने कल गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया क्या कि भगवान का 24 अवतार होता है, उसमें एक अवतार गुरुदेव बता रहे थे हिरण्याक्ष को भगवान बराहदेव ने वध किया। अब इसके बाद भगवान के पास देवता लोग जाके बोलते हैं कि प्रभु अब समुद्र मंथन करना है, तो ठाकुर बोलते हैं बोले करो, इसके लिए समुद्र तो ऐसे वैसे विशाल है, इसके लिए तो डंडा और रस्सी से होगा नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा एक मेरु चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मद्राचल और वासुकी को साथ में ले जाओ। देवता लोग कोशिश करके मद्राचल के पास पहुँचे लेकिन मद्राचल को हिला भी नहीं पाए। अब जो पाताल लोग में जो वासुकी थे उनके गरल से देवता लोग दूर से ही उनको प्रणाम करके आ गए। तो भगवान ने गरुड़ पे विराजमान हुए और गरुड़ पे विराजमान होकर तुरंत ही गए और देखते देखते ही अपने लेफ्ट हैंड में अपने बाएं हाथ में मद्राचल को उठाया, उठा करके वहाँ पे समुद्र के बीच में स्थापन कर दिया। और पाताल लोक से तुरंत भगवान ने शेषनाग को स्मरण करते ही वहाँ पे आके निपट गए। तो उसके पश्चात समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से कई सारा रत्न निकला, चंद्रमा निकले, उच्चेश्रवा अश्व निकला, उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला, कल्प वृक्ष निकला, पारिजात पुष्प निकला, अंतिम में महालक्ष्मी निकलती हैं। फिर धीरे 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 विष निकला जिसको शिवजी ने पान किया और नीलकंठ बने। फिर उसके बाद भगवान उससे पहले जब मद्राचल डूब रहा था तो स्वयं भगवान देवता पुनः स्तुति किए भगवान को, तो भगवान ने कश्यप अवतार लिया और मद्राचल को अपने पृष्ठ पर यानी पीठ के ऊपर धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय। जैसे ही पीठ पे धारण करते हैं फिर पुनः समुद्र मंथन होता है और अंतिम में भगवत इच्छा से ही भगवान के ही अवतार मन्वंतर। ये मन्वंतर ये क्या है, धन्वंतरी, एक किसी किसी मन्वंतर में ये सब लीला होता है। तो धन्वंतरी क्या करते हैं, अमृत लेके प्रकाशित होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अब देवता बोलते हैं अमृत हम पियेंगे, राक्षस बोल रहे हैं अब अमृत अमृत हम पियेंगे। तो देवता लोग स्तुति किया, देखो प्रभु ये अमृत भी देवता को ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर राक्षस अगर ये असुरों को ये अमृत मिल गया तो ये अमर बन जाएगा और देवता के ऊपर हर समय ये लड़ाई चलता रहेगा, फिर आपको ही परेशान करेंगे देवता लोग, तो आप तो कृपालु हो इसलिए प्रभु आप कोई उपाय करो। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, बड़े सुंदर रूप से बड़े सुंदर मोहिनी रूप धारण करके अमृत बंटन किया और देवता को अमृत दिया, और देवता को तो अमृत दे दिया लेकिन असुरों को दे दिया सुरा, सुरा यानी मदिरा, शराब पिला दिया। उनमें से राहु नाम के एक दैत्य ने ये सब देख रहा था, फिर भगवान ने वहाँ पे चतुर्भुज रूप में चक्र से उसका सर और धड़ को अलग कर दिया। इसके पश्चात देवता और असुरों में
पूरा घनाघन युद्ध हुआ। युद्ध में देखो देवता तो अमर हो चुके थे अमृत पी के और असुरों को मार दिया। जैसे ही असुरों को मार देते हैं, असुर का गुरु कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र जानते थे और संजीवनी मंत्र से पुनः सबको जीवित कर दिया। अब असुर बोल रहे हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से तो हम जीवित हो गए। बोले हमें देवता से लड़ाई करना है। तो शुक्राचार्य बोल रहे, देखो देवता बुद्धिमानी कार्य करो, देवता से ऐसे नहीं लड़ सकते, देवता भी अमर हो चुके हैं। बोले एक उपाय है, बोले ब्राह्मण की कृपा प्राप्त करो। ब्राह्मण अगर तुमको कृपा करेंगे तब तुम ब्राह्मण को प्रसन्न करो। ब्राह्मण अगर आशीर्वाद दे दिए तो कुछ भी हो सकता है। तो देवता ने असुरों ने भृगु ऋषि के जो वंशज जो ब्राह्मण गण है उनका बड़ा उनका आदर सत्कार किया। अब बताओ ब्राह्मण को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये देव असुरों को भी पता नहीं। ये शुक्राचार्य को पूछ रहे हैं ब्राह्मणों को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो शुक्राचार्य बोले तो बड़ा इजी सी बात है, तो बड़ा सरल है, चकाचक मालपुआ रबड़ी मलाई पूरी दो, ब्राह्मण को खिलाओ, आसन व्यसन और राशन, फिर भाषण देंगे ब्राह्मण। आसन में बिठाओ, फिर अच्छा अच्छा पूरा दक्षिणा दो, फिर व्यंजन दो, फिर राशन दो, सब चीज अच्छे से खिलाओ, फिर कृपा आशीर्वाद देंगे। इतना आशीर्वाद देंगे तुम ले नहीं सकते। तब असुरों ने वही किया, पूरा का पूरा असुरों सारे के सारे असुरों भृगुवंशी के सारे ब्राह्मण को निमंत्रण किया, खूब खिलाया, खूब जिमाया और उसके बाद खूब दक्षिणा दिया। अब ब्राह्मण तो दक्षिणा पाके जब प्रसन्न होते हैं तब पूरा का पूरा बोलते हैं आयु दे दिया, चलो धन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, पूरा ब्राह्मण का कृपा प्राप्त कर लिया। अब जैसे ही ब्राह्मण का कृपा मिल गया, ब्राह्मण की शक्ति ब्राह्मण की कृपा अर्थात भगवान भी इसमें छेड़खानी नहीं करते। भगवान बोलते हैं गो ब्राह्मण हिताय च, गाय में और ब्राह्मण में भगवान दूर रहते हैं। बोले भाई ब्राह्मणों का कृपा है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब देव इन्होंने असुरों ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। तब देव गुरु बृहस्पति बोल रहे हैं, देखो स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं बलि महाराज जी और इनके ऊपर ब्राह्मण की कृपा है, चाहे तुम अमर क्यों ना हो जाओ इनको जीत नहीं सकते, ब्राह्मण की कृपा के आगे कोई टिक नहीं सकता, तुम स्वर्ग छोड़ के भाग जाओ। तो सारे के सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। अब असुर लोग बलि महाराज स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गए। तक्षणात वहां पे फिर से दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोलते हैं, देखो स्वर्ग के सिंहासन तो मिल गया, लेकिन ये अगर परमानेंट रखना चाहते हो तो 100 यज्ञ करो, 100 अश्वमेध यज्ञ करो, 100 अश्वमेध यज्ञ अगर पूरा हो गया तो पूरा पूरा स्वर्ग तुम्हारा है, पूरा परमानेंट, कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। उसके पश्चात इन्होंने 100 यज्ञ करना शुरू किया। तो ये सब देख के कश्यप ऋषि के दो पत्नी है दीति और अदिति। तो जो अदिति माता है ये इंद्र की माता है और देवताओं की माता है, ये बोल रहे हैं देखो आपके मेरे पुत्र कहाँ पता नहीं स्वर्ग रोते हुए भी वन और जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, आप कुछ उपाय बताओ। तब कश्यप ऋषि बोलते हैं, देखो असुरों को तो ब्राह्मणों की कृपा प्राप्त हुआ है, ब्राह्मणों की कृपा से और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए काम करो भगवान ही कुछ उपाय बताएंगे, तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत क्या होता है? पयो है कि 52 अंगुष्टी उत्तर जत्र बामन, यानी 52 अंगुली है इनका जो उच्चता है, इनका जो हाइट है वो 52 अंगुली युक्त है। अब देखने में बड़े सुंदर